नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज वाधवा और आज हम जिस टॉपिक पे परामर्श करेंगे वो है नी रिप्लेसमेंट क्राफ्टेड फॉर वुमेन। पीपल से गॉड क्रिएटेड एवरीबॉडी डिफरेंटली एंड द सेम स्टैंड्स ट्रू फॉर मैन एंड वुमेन। वी ऑलवेज से मैन कम फ्रॉम मार्स एंड वुमेन फ्रॉम वीनस। रिसर्च ने बहुत बार बताया कि अ विमेन्स नी इज नॉट अ मिनिएचर वर्जन ऑफ मेन्स नी। अब ये वुमेन की जब बात कर रहे हैं तो पहले तो मैं कुछ आंकड़े आपको बताना चाहूंगा जो आपको शायद आकर्षित करेंगे। 70% रफली 70% 70% जो पॉपुलेशन है जो हमारे पास नी रिप्लेसमेंट की आती है दैट इज वुमेन पॉपुलेशन। तो रादर होना तो ये चाहिए जहां 70% है सब कुछ एक्चुअली ही डिजाइंड उनके लिए होना चाहिए था। व्हाई इज आर्थराइटिस मोर प्रोन इन वुमेन? हमारे नॉर्मल घुटना जिसपे ऊपर एक पर्थ एक लेयर होती है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं जो एक शॉक एब्जॉर्बर है वो होती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी ये लेयर जो कार्टिलेज है जो ऊपर की सतह है जो ऊपर की पत्थर है ये घिसना शुरू हो जाती है। इसके बाद एक स्टेज आई कि वो बोन आपस में रब करना शुरू हुई जिसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। अब सवाल ये है ये आर्थराइटिस की जो संभावना है ये औरतों में ज़्यादा क्यों है? इसके बहुत सारे कारण हैं और जो पहला कारण है वो है हॉर्मोन्स। हम सभी जानते हैं कि फीमेल्स में एक हॉर्मोन होता है जिसे हम ईस्ट्रोजन कहते हैं। वो ईस्ट्रोजन हमारी ये कार्टिलेज की लेयर को स्मूथ फ्लेक्सिबल रखता है उसको नॉर्मल आकार में रखता है। अब फीमेल्स में जिस जिस तरह से उम्र बढ़ती है मान लीजिए उनमें मीनोपॉज होता है पीरियड्स आने बंद होते हैं या किसी कारण परामर्श उनका हिस्ट्रेक्टमी होता है ये ईस्ट्रोजन बनने की जो सेंसें है वो कम हो जाती है। अब ईस्ट्रोजन कम होने से वो कार्टिलेज पहले की तरह एक्टिव नहीं रहता है और उसमें क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं और आर्थराइटिस बढ़ जाता है। जो दूसरा कारण है वो है जेनेटिक्स। बहुत सारी चीज़ों में देखा गया है कि जेनेटिकली फीमेल्स में आर्थराइटिस आने की संभावना ज़्यादा है। थर्ड रीज़न है वाइडर हिप्स। औरतों में ये पेल्विस का पोर्शन चौड़ा होता है जिसमें कि नीज़ काफ़ी ज़्यादा स्लेंडर और टेपरिंग हो जाते हैं और नीज़ पे लोड ज़्यादा पड़ता है। नीज़ के अंदर के हिस्से पे लोड ज़्यादा चढ़ने की वजह से उनमें आर्थराइटिस आने की संभावना बढ़ जाती है। इसका चौथा कारण होता है फ्लेक्सिबिलिटी। फीमेल्स में देखा गया है कि जो उनके जोड़ हैं वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल होना एक तरफ से बहुत अच्छा है पर दूसरी तरह से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो जोड़ों में इंजरी के चांसेस बढ़ा देती है। तो ये सारे कारण मिक्स्ड अप विद विटामिन डी डिफिशेंसी इन फीमेल्स मिक्स्ड अप विद गठिया आ जाने की रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये सब कारण मिलकर ये जो फीमेल पॉपुलेशन है उनमें आर्थराइटिस आने की तादाद बढ़ा देती है। चूज़ वॉट फिट्स यू rather than what you fit into। जो फीमेल्स हैं वो मेल्स की क्लोथिंग पहन सकती हैं बट हमेशा चाहेंगी समथिंग विच इज़ डिज़ाइंड एंड कस्टमाइज्ड फॉर देम। सेम थिंग मैटर्स फॉर इम्प्लांट्स ऑल्सो। इसमें केवल साइज ही मैटर नहीं करता शेप का भी बहुत ज़्यादा अंतर होता है। एंड टुडे वी टॉक अबाउट कस्टमाइज्ड। अब हम कस्टमाइज की बात करें तो आप सब ये बात मानेंगे हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम साइज 30 की कोई जीन्स या डेनिम्स लेते हैं वो अगर इंडियन लेडी को बहुत अच्छी फिट आती है तो सेम डेनिम्स जो है साउथ अमेरिकन या अफ्रीकन या रशियन लेडी को भी फिट आएगी। सेम भी अगर हम मेल्स की बात करें अगर मैं बोलूँ ये 44 शर्ट है इट्स नॉट वॉट इज़ वेरी गुड फिट। तो इसी तरह की जो प्रक्रिया है वो जॉइंट रिप्लेसमेंट्स में आती है। तो नॉर्मली जॉइंट्स में हम साइज जो 1, 2, 3, 4 इस डायमेंशन से मेजर करते हैं पर ये डायमेंशन तो हो गई आप मान लीजिए साइज 4 है। अब उसके बाद जो हमारी फीमेल पॉपुलेशन होती है उसका फ्रंट का पोर्शन नैरो होता है। इसका अंतर कहाँ आता है कि इतने साल तक जब हम ये घुटनों की सर्जरी करते थे तो फीमेल्स का आंसर होता था डॉक्टर साहब सर्जरी करने से अच्छा तो लगा लेकिन जब भी घुटना मुड़ते हैं ना कुछ चुभता सा है। वो चुभता क्या है? चुभता मीन्स कि अगर उनका ये पोर्शन नैरो है और उसमें हमने ये ट्रेडिशनल इम्प्लांट फिक्स करा तो ये जो एक्स्ट्रा पीस ऑफ मेटल है इस पे उनकी मांसपेशियां टेंडन्स लिगामेंट्स सॉफ्ट टिश्यूज रन करते हैं जो उन्हें डिसकंफर्ट और तकलीफ देते हैं। खास करके अगर मान लीजिए उन्हें बैठकर चेयर से उठना है या सीढ़ियां चढ़ना है स्लोप पर जाना है उस पे इसकी संभावना और ज़्यादा पड़ जाती थी। एज अ डिज़ाइनर सर्जन मैंने वर्ल्ड में इम्प्लांट्स को डिज़ाइन कर रहा है जहाँ पर मैं एंथ्रोपोमेट्री होती है डिफरेंट साइज और शेप्स को मेजर करना पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिकली और वहाँ पर ये मेजर किया कि हमने ना केवल मेल और फीमेल बट रीजन से भी ये साइजेस वेरी करते हैं। आज अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जो फीमेल पॉपुलेशन जो कि हमारी 70% तादाद है इस पॉपुलेशन की नी रिप्लेसमेंट की
उस पर हमारी सर्जरीज बहुत एक्यूरेट जाए, तो हमें उनके लिए बिल्कुल मेड टू ऑर्डर प्रिसाइज साइज फिट की डिस्कशन करनी पड़ेगी। आपको ये समझना है कि जैसे दो मॉडल सेम साइज के हैं, लेकिन आप ध्यान से देख सकते हैं कि इसमें जो टॉप का पोर्शन है वो नैरो है और इसमें टॉप का पोर्शन ब्रॉड है। अगर एक औरत जिसमें ये नैरो होना चाहिए उसमें हम नॉर्मल ट्रेडिशनल ब्रॉड पोर्शन डाल देंगे तो उनको इम्प्लांट चुभेगा, और वाइस वर्सा किसी का साइज ये है और उसमें आप ये पोर्शन डाल दोगे तो उसमें बेयर बोन होगी जो उसके लिए भी नुकसानदेह है। तो इसका मतलब ये है हमने उसके लिए प्रॉपर साइज के साथ साथ प्रॉपर शेप को भी मैच करना है। जब हमारी साइज और शेप दोनों मैच करेंगी वहीं जाके उस फीमेल के लिए बेस्ट डिजाइन इम्प्लांट होगा। लेट योर सर्जन टीच यू दीज थिंग्स व्हाट इज द बेस्ट डिजाइन एंड फिट फॉर यू। लेट देम चूज द बेस्ट टेक्नोलॉजी, लेट देम चूज सिस्टम्स विच आर लॉन्ग लास्टिंग लाइक दीज स्पेशल मटीरियल्स। आपको स्पेशल बायो मटीरियल्स को समझना है, आपको उसके साथ साथ प्रॉपर फिट को समझना है, प्रॉपर साइजिंग को समझना है, लिगामेंट प्रिजर्विंग सर्जरीज को समझना है, यूजेज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी को समझना है, और ये सब चीज़ों का मिश्रण जो है आपको 99.5% पॉजिटिव आउटकम्स देगा। सो डियर फ्रेंड्स, एन एंडिंग रिमार्क, इट कैन नॉट बी ओवर एम्फेसाइज दैट बेस्ट फिट गिव्स यू द बेस्ट रिजल्ट्स। So discuss with your surgeon on what is the best fit for you and what is the best biomaterials and technology platform. Thank you so much.